जन्म पाया बोलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु जी जियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। धर्म दास की विनती समर्थ चित दीजो हो। धर्म दास की विनती समर्थ चित दीजो हो। आवन जावन निवार के अपना कर लीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। धर्म दास की बीनती समर्थ चित दीजो हो। धर्म दास की बीनती समर्थ चित दीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो। आवन जावन निवार के अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। अब वो धर्मदास जी ने जब ज्ञान हुआ परमात्मा से कहा था, हे भगवान अपने दास को भक्ति का दान दे दो और आजीवन मालिक तेरे इस मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा, आखिरी श्वास तक मैं आपके इस पद की, वे ऑफ वर्शिप की, इस पद्धति की पूजा करता रहूंगा। कहते हैं कि तीर्थ व्रत मैं ना करूं। पहले ये तीर्थ व्रत करता था और आन उपासना करता था, मंदिरों की पूजा करता था हमारी तरह। फिर कहा था परमात्मा तीर्थ व्रत मैं ना करूं, ना मंदिर पूजा हो, और मनसा वाचा कर्मणा, मन कर्म वचन से दाता मेरा और नहीं दूजा हो आपके अतिरिक्त, यानी पति भर्ता पद की तरह मैं आपके अतिरिक्त किसी को नहीं मानूंगा। अब बात समझ में आएगी। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। ओए होए पुण्यात्माओं, ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं। अंबाला के पास एक रामथली स्थान है, वहाँ एक शीतलपुरी नाम के संत हुए थे, तपस्वी शिव के उपासक। इनमें सिद्धियाँ आ जाती हैं। और ऐसे ही एक गिरिपंथ से और था, उसमें भी ऐसी सिद्धियाँ आ गई, वो भी शंकर जी के तमोगुण के उपासक हैं। तो ये साधक लगे तो थे भगवान पाने के लिए, लेकिन काल ने इनको मीठी गोली दे दी। वो दूसरा संत जो सिद्ध था वो शेर के ऊपर बैठ के और शीतलपुरी संत साधते मिलन आ गया। और शीतलपुरी सुबह सुबह अपने आश्रम की दीवार के ऊपर बैठा दांतन करे था, थोड़ी थोड़ी दीवार थी, पाँच पाँच चार चार फुट की, तीन तीन चार चार फुट की। और उसने गायें काफ़ी रखी हुई थी, पहले गायें रखते थे इन डेरों में। अब जान गया शीतलपुरी के वो फलाना संत आ रहा, हर शेर के ऊपर बैठा हुआ है। वो जान गया कि यहाँ चेलों में प्रभुता दिखा के मुझे फेल करन आया है, अपने पीछे लगाओगा। तो शीतलपुरी ने अपनी सिद्धि से उस दीवार को लगभग 50 फुट आगे कहा कि चल वे दीवार, यो साधु आया है इसका सत्कार कर, और 10 कदम तू भी चल। 50 फुट आगे बढ़ गई वो दीवार, चल पड़ी। शीतलपुरी दातन करता उस द्वार पर बैठा, वो भीत चल पड़ी आगे ने, और कति ने कटा लिया। जब उन्होंने कह रहा रोक रोक रोक, उन्होंने सदा शेर ले जाओ समार के ने, उन्हें रोक दी। फिर भी ना पेटा मेरा उसका, तू तो शेर पर बैठा, इसने दीवार चला दी। कहने लगा मेरे शेर को कहाँ बांधूँ, कहाँ बांधूँ इस शेर को। वो शीतलपुरी बोला इन गायन छोड़ दे।
वो गायों में छोड़ दिया उसने, ऐसे खड़ा जैसे गधा खड़ा हो जाकर जाके, गाय को खाया नहीं उसने। अपने आत्माओं ये सिद्धि दिखा के ये लोग प्रभु पा के गया, जनता देख करोड़ गुणगान और इकट्ठे हो गए, भाई से महापुरुष थे। और परमात्मा कहते सिद्ध नहीं ये तो गधे हैं, अगले जन्म में कुत्ते बनेंगे गधे बनेंगे, ये इस तरह की बकवास दिखा के अपना जीवन कर्म फोड़ गए। तो क्या बताते हैं धर्मदास जी, कहते हैं ये ज्ञान हो गया उस प्यारी आत्मा को, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे ना मांगता सब थोथरी आशा हो, सो मैं तुमसे ना मांगता सब थोथरी आशा हो। अब स्वर्ग में गया तो वापस आना, बता वहां करूंगा के मालिक, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आन तुम्हारी हो, कि आपकी कसम दाता इन बकवादों की डिमांड आपके सामने नहीं रखूंगा, मुझे तो परमात्मा पाणिया है मालिक, वहां सतलोक मान आपके सतलोक में। रोते हुए क्या कह रहे हैं, हे परमात्मा जानते सुनिए मेरी अर्ज को, धर्मदास की वीनती समर्थ चित दीजो हो, हे समर्थ परमात्मा इस धर्मदास की प्रार्थना को ध्यान से सुनियो मेरे दाता, और आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो, इस जन्म मरण के अरहट के कुएं ते निकाल के दाता अपना कर लो, मुझे अपना बना लो मेरे मालिक। धर्मदास की वीनती समर्थ चित दीजो हो, आवण जावण निवार के नष्ट कर काना जाना खत्म करके दाता अपना कर लीजो हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद सेवा हो। पुनात्माओं मन तू चल रे सुके सागर जा सब सिंधूरत नागर, कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे कौआ हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा के न्या मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया मिला ना निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ओहो, और ब्रह्मा वरुण द्रुमराया विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी वापस आया। परमात्मा ने बताया चतुर्भुजी भगवान कहावे ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये भी अरहट डोर बंधे सब आवे, ये अरहट का कुआ लोई या गढ़ बंध्या है सब कोई, जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे ये संसार की जो हमारी बेमतलब की डिमांड है ये हो जा फलाना हो जा, और भगवान की चाह कम रहती है, सतगुरु से समाप्त होती है वो इच्छाएं बेमतलब की। ये अरहट का कुआ लोई या गड़बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा, हरहट डोर माने यहाँ जन्म हुआ स्वर्ग, मनुष्य जीवन में कुछ थोड़ा बहुत पुण्य पाप किए, स्वर्ग में नरक में भोग के फिर गधे बन गए, फिर कभी मनुष्य जन्म मिला फिर स्वर्ग गए फिर गधे बने नरक गए, कहते हैं ये प्रोसीजर बंद कद होगा थारा, ये तो रेट कैसा कुआ है नीचे से बाल्टी पानी की भरकाई ऊपर खाली होगी फिर खाली नीचे गई फिर भराई फिर खाली हुई फिर गई फिर खाली हुई, ये कोई बात हुई, ये कोई जीवन है। इंद्र कुबेर ईस की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया, होय होय इंद्र तक की पदवी को आप रह चुके। एक बार मार्कंडे ऋषि कीड़ियों की कीड़ी नाल डाल रहा था, कीड़ियों का नाल आपने देखा होगा इधर भाग रही इधर भागती हैं, उन पर बैठा काफ़ी देर से निरीक्षण कर रहा था,
इंद्र आ गए स्वर्ग का राजा। उसने पूछा कि ऋषि जी आप इतनी गहनता से क्या निरीक्षण कर रहे हो चींटियों का। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये कौन सी चींटी कीड़ी कितनी बार इंद्र रह चुकी है। इंद्र ने कहा ये भगवान क्या ये चींटियाँ भी कभी इंद्र रही है। हाँ तो क्या देखा आपने। मार्कंडे ऋषि ने बताया कि इस पूरे इन करोड़ों की संख्या में जितनी चींटियाँ इधर उधर भाग रही हैं इनमें से केवल एक चींटी ऐसी है जो एक बार इंद्र की पदवी पर स्वर्ग की राजा रही है और बाकी तो कई कई बार रह चुके और फिर भी इंद्र का समझ में ना आई। अक छोड़ दो बीमारी ने अब छोड़ दे तो जाकी तो क्योंकि रास्ता बतानी है ठीक को नहीं। तो पुणात्माओं ये समय कभी कभी सूत बैठा करे दाव लगा करे जैसा अब आपका लग्या है। क्या बताते हैं जैसे आप इंद्र की पदवी स्वर्ग राजा रहे पृथ्वी के राजा भी रहे कई बार ये सत्कर मान लेना रानी रही राजा रहे और ईब बिना ज्ञान के किए करे हैं भगत। इस दास के सामने भी आके एक आधा बोला जो ज्ञान को नहीं परिचित है वो कहता जी मैं सरपंच का इलेक्शन लड़ लूं सारा गांव को है तो उठ ले। अरे भले आदमी इंद्र की पदवी छोड़ कर ईब के टिंडे ले लिए ई पीपी इधर बैठेगा सरपंच की उसमें के काट लेगा तू अपना पीछा छोटा यहाँ तक क्यों कड़ेगा मिनिस्टर बनेगा तू। कहने का भाव ये अगर भक्ति करनी है तो ये बकवास त्यागनी होगी। पुण्यात्माओं आज जिन राजा लोगों के राजनेताओं के पीछे आप भागते फिरते हो आपको कुछ भी नहीं मिलना इनसे क्योंकि जो जिस चीज की हमने चाहा है इनके पास है नहीं। वो तो यदि आपको बच्चे को कोई नौकरी भी मिलनी है तो मालिक ही देता है इस जीव के बस का नहीं किसी एक ने लगा दे या हटा दे। एक किसान था और एक राजा कोई किसी कारण से दिशा भूल गया जंगल में चला गया भूखा प्यासा था। किसान के खेत पास रुक गया खेतों में जिसी भी रोटी थी उसको खिला कौन है भाई खाना खुना खा लें के खाने के बाद उसने बताया कि मैं राजा हूँ इस नगरी का और भाई तुमने किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो मेरे पास आ जाना। राजा धार्मिक था किसान के आओ भक्त जो प्रसन्न हुआ और उसको एक पर्ची बनाकर एक सर्टिफिकेट दे दिया कि तुझे कोई नहीं रोकेगा किसी टाइम आ जाना। कुछ दिन के बाद किसान ने सोची वह चाल राजा से कुछ मांग लाऊं। अब वो सीधा चला गया लेकिन जहाँ देखा वो प्रार्थना कर रहा था ऐसे ऐसे